हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कराने वाला हूँ। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पास एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, 2 मार्क के भी और 3 मार्क के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राइट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी एंड ए एन ऑफ द फॉलोइंग ए पी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक एपी दे रखी है और उसमें आपको छोटी छोटी चीजें बतानी है। जैसे अगर हम ए की बात करें यहाँ पर, तो ए हमारे पास यहाँ पर कितना है, 5 है। डी की बात करें तो वो कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो 30 आ जाएगा। और ए एन हमारे पास क्या होता है, सबसे लास्ट टर्म हो जाएगा 215। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें अपना यहाँ पर, कह रहे फॉर एन एपी, एक एपी दे रखी है, चेक वेदर -31 इज द टर्म ऑफ इट और नॉट। कह रहे बताओ क्या -31 इस एपी की टर्म हो सकती है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, हमेशा क्या करो, उसको लेट कर लो, लेट ए एन इज इक्वल्स टू -31। ए आपको क्वेश्चन में 10 दे ही रखा है, डी अगर हम देखें तो वो 7 -10 हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब आप क्या करो, अपना जनरल फॉर्मूला लगा के ना एन को निकाल लो। अगर आपका एन पॉजिटिव आया और एक होल नंबर आया, तो -31 उस एपी की टर्म है। लेकिन अगर ऐसा नहीं आया, एन मान लो नेगेटिव आया या फिर फ्रैक्शन में आया, तो इसका मतलब -31 जो है वो इसकी टर्म नहीं है। क्लियर? चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस वन डी। तो माइनस का 31 इज इक्वल्स टू में 10 प्लस एन माइनस वन डी आ जाएगा माइनस का। इस 10 को इधर ले आई और -3 को भी इधर ले आई, यहाँ बचा एन माइनस वन, तो ये हो गया माइनस का 41 अपॉन में माइनस का 3 इजिकल टू में एन माइनस का, कट हो गया। आप पे बचा 41 अपॉन में 3 प्लस का 1 इधर आ गया इजिकल टू में एन। अगर आप बेस को सेम करते हो, ये आ जाएगा एन, आ गया आप पे 44 अपॉन में 3। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो, है ना, बट यहाँ फ्रैक्शन में आ रही है। इसका मतलब -31 इज नॉट द टर्म ऑफ एन एपी। क्लियर है? नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। आपको A31 जो है वो फाइंड करना है। यहाँ पर आपको दे क्या रखा है, A11 दे रखा है 38 और A16 दे रखा है 73। इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर A प्लस का 10D इक्वल्स टू में 38 और इसको आप लिख सकते हो यहाँ A प्लस का 15D इक्वल्स टू में 73। ये अपनी इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से मैंने क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो यहाँ तो माइनस का 5D आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस का ही आएगा। अगर आप 73 में से 38 को माइनस करो, माइनस का 35 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, डी आ जाएगा आपका 35 अपॉन में 5, कट करोगे डी की वैल्यू 7 आ गई। पर आपको ए भी चाहिए इसके लिए, इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है मेरे पास यहाँ पर, ए प्लस का 10D इज इक्वल्स टू 38। देखो आप इसे इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस का 70 इज इक्वल्स टू में 38। यहाँ से मेरी ए की वैल्यू निकल गई, 70 में से आपको क्या करना है, 38 को माइनस कर देना है, माइनस का 32 आएगा क्योंकि 38 पहले लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? अब आपको क्या निकालना है, A31 निकालना है जो होता है A प्लस का 30D। A की जगह मैंने -32 रखा, D की जगह मैंने 7 रखा, तो यहाँ पर आ जाएगा 210। अब हम क्या करेंगे, 210 में से 32 को माइनस कर देंगे, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 178। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इन अ फ्लावर बेड द
There are 23 sunflower plant in the first row, 21 in the second and 19 in the third and so on. There are 5 sunflower plant in last row. How many rows are there in the flower bed? देखो एक फ्लावर बेड है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो के उसमें आपको बता रखे हैं कि कितने प्लांट्स हैं और एक लास्ट रो के आपको ये बताना है कि उसमें कितनी रो है। तो इससे एपी आपकी सीधा सीधा बन रही है 23, 21, 19 और लास्ट में क्या है 5 है। अब आपको यहाँ पर ए देखा जाए तो 23 क्या डी भी आप निकाल सकते हो 21 माइनस 20। ए एन आपको पहले से दे रखा है 5 और हाउ मेनी रोज की बात कर रहा है तो मतलब एन आपको यहाँ पर क्या करना है फाइंड करना। क्लियर हुआ? तो अगर हम अपना ए एन वाला ही फॉर्मूला लगाएं ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 23 प्लस एन माइनस वन डी की जगह माइनस टू 5 माइनस का 23 यहाँ माइनस का 2 आ गया। ठीक है यहाँ तक 23 में से 5 को माइनस किया माइनस का 18 आया, कट गया माइनस से माइनस से इसको भी काट दिया तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n आ गया 10। हाउ मेनी रोज तो 10 रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। कह रहे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। एक एपी दे रखा है इसकी 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो ए मेरे पास 8 है, बी मेरे पास 3 माइनस 8 हो जाएगा माइनस का 5। सम निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। तो ये एस 22 निकालना है, 22 अपॉन 2 2 इंटू में 8, n की जगह क्या रखेंगे 22 माइनस का 1, d की जगह माइनस का 5। तो इससे काट दिया 11 आ गया, यहाँ पर 16 आ गया। अब देखो 22 में से 1 जाएगा 21 बचेगा, इंटू में 5 करोगे 105 आएगा और माइनस का आएगा क्योंकि 5 माइनस का है। 105 में से 16 को मैंने माइनस किया तो 89, 11 ऐसी है। बस 89 को मैंने 11 से इंटू कर दिया, ये आ गया आपके पास एस 22। ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, ऐसा कोई मुश्किल चैप्टर नहीं। आर डी शर्मा से भी हमने इस चैप्टर को शुरू कर दिया है, 2-3 एक्सरसाइज चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ से उन्हें भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी, सेमी क्वेश्चन है, बस यहाँ एपी ना देखे उन्होंने क्या दिया। इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म, मतलब ए 22 दे दिया आपको 140, तो इससे आप ए निकाल सकते हो। इस सम निकालने के लिए आपको ए तो चाहिए गई ना, तो ए प्लस 21 डी इज इक्वल टू 149, डी की जगह मैंने 7 रख दिया तो ए प्लस 147 इज इक्वल टू 149, तो ए कितना आ जाएगा 149 माइनस का 147, तो ए की वैल्यू 2 आ गई। एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। एस 22 मुझे निकालना है, n की जगह 22, a की जगह 2 आ जाएगा, n माइनस 1 मतलब 22 माइनस 1, डी की जगह 7 आ जाएगा, तो इससे काटा 11 आ जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर बचा 21, 21 को 7 से इंटू करना है आपको, तो आपका कितना आएगा यहाँ पर 147, बीच में प्लस आएगा। अब 11 इंटू 147 को आप क्या करोगे, उसमें 4 को प्लस कर दोगे, 151 आ जाएगा, 151 को 11 से इंटू कर दोगे तो 1661 आ जाएगा। बस आपको यही निकालना था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन
beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day. The penalty of each succeeding day is 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has to delay the work for 30 days? अगर एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया होगा, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट पे ये पेनल्टी लगी, उसने काम लेट किया होगा इसलिए, तो फर्स्ट डे की पेनल्टी उसको 200 की लगी, देन 250, देन 3, हर दिन 50 रुपीज़ इंक्रीज हो रहे हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि बताओ उस कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी के तौर पर कितने पैसे देने पड़ेंगे अगर वो 30 दिन काम को डिले करता है। तो इसका मतलब मैं पूरे महीने का निकाल लूँ तो पता चल जाएगा, तो S30 निकालना है मुझे, है ना, सारे महीने का टोटल ही तो करोगे, हर दिन का कि इतनी इतनी पेनल्टी लग रही है, तो डायरेक्ट S30 निकाल सकते हैं। अब उसके लिए मेरे को A चाहिए जो मुझे पता है, B चाहिए वो भी मुझे पता है, SN का फॉर्मूला भी मुझे पता है, N अपॉन 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1D, तो S30 मुझे निकालना है। N की जगह पर 30 आ गया, A की जगह पर 200 आ गया, यहाँ पर N की जगह पर फिर 30 लिख दिया, D की जगह पर 50, तो इससे काटा यहाँ 15 आ गया, यहाँ पर 400 आ गया। अब देखो 30 में से 1 जाएगा तो 29 बचेगा, और उसको 50 से इनटू करोगे तो 1450 आ जाएगा। अब 1450 में 400 को आप प्लस कर दोगे तो 1850 आ जाएगा, और इसको आप क्या करोगे 15 से इनटू कर दोगे तो 27750 इतना आ जाएगा। इसका मतलब से इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी पूरे 30 दिन। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास 4 या 5 मार्क्स के आ जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अच्छा है, हमारा सेम रिपीट हो गया, इसे छोड़ देते हैं। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू 14, बी इज इक्वल टू 10 एंड ए एन इज इक्वल टू 124, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो ए एन वाला सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये 124 इज इक्वल टू 14 प्लस एन, तो मुझे निकालना है, डी 10 दे रहा, 14 को इधर ले आई, 10 को भी इधर ले आई, यहाँ आ गया n माइनस का 1। पहला 124 में से 14 को माइनस करोगे, ठीक है, 0 से 0 कट गई, 11 बचा, प्लस का 1 इधर आ गया, n की वैल्यू 12 आ गई। ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क में आ जाते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth term is an is equals to 6n minus 5. आपको d निकालना है और an आपको दे रखा है, ठीक है। एक बार मैंने n को 1 पुट कर दिया यहाँ, मेरी a1 आ गई, 6 minus का 5, 1. एक बार मैंने n को 2 पुट कर दिया, मैंने अपना a2 निकाल लिया, 12 minus का 5, 7. अब मैं अपना d निकाल सकती हूँ, A2 माइनस A1 करके, 7 माइनस का 1, 6 मेरा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहे हैं, द 127th टर्म ऑफ द एपी, एपी की 127th टर्म निकालनी है। तो देखो A मुझे यहाँ पर 215 पता है, D मैं यहाँ निकाल सकती हूँ 210 माइनस 215, तो माइनस का 5 आ जाएगी। अब A127 निकालनी है, होता है ए प्लस 126 डी, ए है मेरे पास 215, डी है मेरे पास माइनस 5। अब देखो 126 को 5 से इंटू करोगे तो माइनस का 630 आ गया। अब 630 में से 215 को माइनस कर दो, माइनस का 415 आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, मिड टर्म ऑफ द एपी की मिड टर्म बताओ। लेकिन मुझे तो यही नहीं पता इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, मिड तो मैं तभी निकालूंगी, तो पहले मुझे एन फाइंड करना होगा। तो ए मेरे पास 8 है,
ई मेरे पास कैसे आ जाएगा, 17 में से मैं 8 को माइनस कर दूंगी तो 9 आ जाएगा। एन मेरे पास 170। पहले मैंने अपना जनरल फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया 170 इज इक्वल्स टू में 8 प्लस एन माइनस 1, डी हो गया मेरे पास 9। 170 माइनस 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब 170 में से पहले मैंने 8 को माइनस किया तो मेरे पास 162 आया, ठीक है। अब 162 को मैंने 9 से डिवाइड किया तो मेरे पास 18 आया, यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ प्लस 1 भी कर दिया साथ के साथ, एन आ गया 19। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 19। तो क्या आप मिड टर्म निकाल सकते हो? तो अगर आपके पास मान लो ये एपी है तो 8 टर्म्स आपने यहाँ से छोड़ दी, ठीक है, 9 टर्म्स, सॉरी 9 टर्म्स यहाँ से छोड़ दी और 9 टर्म्स यहाँ से छोड़ दी, तो जो बीच की वाली टर्म होगी वही तो होगी। इसका मतलब 10th टर्म जो है वो आपकी क्या है, मिड टर्म है। तो a प्लस का 9d, a मेरे पास 8 है और d मेरे पास कितना है, 9 है। 9 जो आपके पास 81 होता है, 81 में बस 8 को प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 80। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कविता स्टार्टेड हर जॉब इन द ईयर 2010 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 45,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹2,000 एवरी ईयर। इन विच ईयर डिड शी अर्न ₹75,000? कह रहा है एक गर्ल है कविता, उसने अपनी जॉब 2010 में स्टार्ट की, उसकी सैलरी 45,000 थी स्टार्टिंग सैलरी। हर साल ये सैलरी 2000 से बढ़ रही है तो अगले साल ये 47 हो गई होगी, फिर उसके अगले साल 49 हो गई होगी, चलता जाएगा ऐसे, ये एक एपी बन गई। कह रहे बताओ किस साल में उसको 75,000 रुपीस मिले। क्वेश्चन क्लियर हो गया? लास्ट टर्म आपको यहाँ पर 75,000 दे रखी है, तो इसका मतलब ए मेरे पास 45,000 दे रखा है, डी मेरे को यहाँ पर 2,000 दे रखा है और ए एन मेरे को कितना दे रखा है, 75,000। ये बताना है किस ईयर में वो करेगी। तो अगर हम अपना ए एन का फॉर्मूला लगाएं, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो 75,000 इज इक्वल्स टू 45,000 प्लस एन माइनस वन डी है मेरे पास 2,000। 75,000 माइनस का 45,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इक्वल्स टू में एन माइनस वन, ठीक है, तो अब यहाँ करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 30,000। 75 में से 45 जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 2,000 प्लस का 1 इज इक्वल टू एन, तो ये आ गया मेरे पास 15। 3 प्लस 1 16 आ गया। तो उसने 2010 में जॉब स्टार्ट की थी तो उसके 16 साल के बाद की कमाई वो कितनी हो जाएगी, 75,000 रुपये। तो 16th ईयर में, इन विच ईयर, तो 16th ईयर शी अर्न्स 75,000। क्लियर? नेक्स्ट है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 28 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द एपी इज 88। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द, कह रहे सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, स्टार्टिंग की 4 टर्म्स का सम है, मतलब एस 4 दे रखा है 28 और स्टार्टिंग की 8 टर्म का, मतलब कि एस 8 दे रखा है मुझे कितना, 88। मुझे क्या फाइंड करना है, एस 16 फाइंड करना, ए और डी पता होना चाहिए ना। तो एस 4 में अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ अपना, मेरा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d, तो यहाँ जाएगा एस 4 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2a प्लस एन की जगह तो मैं 4 लिख सकती हूँ, 4 माइनस 1d, तो ये हो गया मेरे पास 28
इससे काट दिया, टू आ गया, यहाँ आ गया टू ए प्लस का थ्री डी, टू को भी इधर ले आती हूँ तो फोर्टीन आ जाएगा और ये हो जाएगा टू ए प्लस का थ्री। एक इक्वेशन यहाँ से बना। इसी तरीके से एस एट से निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एट अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एट माइनस वन डी इक्वल टू 88, तो इससे काटा फोर आ गया, यहाँ आ गया टू ए प्लस सेवन डी इक्वल्स टू 88, टू ए प्लस सेवन डी इक्वल्स टू फोर को इधर लेके गए तो 22 आ गया इक्वेशन टू। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और डी निकालते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, तो टू ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 14, टू ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू 22। एलिमिनेशन मेथड लगा के इसे काटा, ये माइनस का 4d हो गया और यहाँ पर आ गया माइनस का 8, कट हो गया। e की वैल्यू यहाँ से 2, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन आपके पास है a प्लस 3d इक्वल्स टू 14, e की वैल्यू रखोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू में 2, ए प्लस 6 इज इक्वल टू 14, 6 उधर जाएगा 8 बचेगा, a की वैल्यू 4। आपको क्वेश्चन में निकालना था s16, तो 16 अपॉन 2 a की जगह 4 रखते हैं, n माइनस 1 b की जगह 2 रखते हैं, तो इससे काटा 8 आ जाएगा, 4 जा 8, 3 बचा, 3 को 2 किया आ गया 30 आ गया, तो 8 इंटू में कितना हो गया 38। अगर अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका s16 आ जाएगा 8 इंटू में 38 करके, तो कि आपके पास आ रहा है 304। s16 फर्स्ट 16 टर्म्स का सम कितना होगा 304। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 15 डिग्री बिटवीन द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखो आपको पता है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम दे दिया, तेरे की जो एंगल है ना ये एपी में है और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है आपके पास 15 डिग्री है, तो हर एक एंगल के बीच में 15 डिग्री का डिफरेंस, तो सारे एंगल्स का आपको क्या करना है, सारे एंगल्स आपको फाइंड। तो एपी के जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक ए होता है, सेकंड वाला ए प्लस डी, थर्ड वाला ए प्लस टू और फोर्थ वाला ए प्लस थ्री। अब ये सब एपी में है और मुझे यहाँ क्वेश्चन में डिफरेंस है वो 15। तो फर्स्ट वाला एंगल अगर हमारे पास ए है तो आप उसको फिलहाल के लिए ए ही रहने दो कि वो हमें नहीं पता। सेकंड वाले एंगल को आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर ए प्लस डी करके, तो आप डी की वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना। सेम ऐसे ही आप थर्ड वाला एंगल भी चेंज कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला एंगल ए रहने दिया, सेकंड वाला ए प्लस डी है वो मेरे पास क्या बन जाएगा ए प्लस का 15, फिर ए प्लस का 2d है तो वो मेरे पास आ जाएगा a प्लस 2 इंटू में 50, तो a प्लस का 30 हो जाएगा, फिर a प्लस का 3d है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास a प्लस 3 इंटू में 15, तो a प्लस का 45 हो जाएगा। पर मुझे यहाँ पर जो एंगल्स निकालने हैं वो मुझे क्या करने हैं, डिग्री में निकालने हैं। अब आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है 360, तो इसका मतलब ए ए प्लस 15 प्लस ए प्लस 30 प्लस ए प्लस 45, इन सब का सम कितना होगा 360। तो आपके पास कितने ए हैं, एक दो तीन
चार, तो टोटल 4a हो गया। और अगर आप इन सबको प्लस करते हो तो 15 में आपको क्या करना है, 30 प्लस करना है, 45 आ जाएगा। 45 में 45 प्लस करोगे तो 90 आ जाएगा। अब इस 90 को आपने क्या किया, उधर लेके चले गए, माइनस का हो गया, तो 360 में से 90 जाएगा तो 270 आपके पास बची। यहां से आपके पास ए की वैल्यू निकल गई 270 अपॉन में 4 करके, आप डायरेक्ट 4 से भी काट सकते, तो ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पॉइंट में आ रही है। तो फर्स्ट वाला एंगल आपके पास आ गया ये, सेकेंड एंगल था आपके पास ए प्लस का 30, ये एंगल 1 आ गया, ये एंगल 2 है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो ए कितना निकाला आपने, 67.5, उस 30 को प्लस कर दिया तो आपके पास 0.5 तो ऐसे ही रह जाएगा, तो हो जाएगा 97.5 डिग्री। एंगल 3 है आपके पास ए प्लस, ये एंगल 3, एंगल 2 तो आपके पास ए प्लस 15 है, तो आप इसमें प्लस करो, 0.5 ऐसे ही रहेगा, 7 प्लस 5 12, 6 7 और 1 8। अब ए प्लस 30 हो गया, 67.5 प्लस का 30 हो जाएगा, 0.5 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा 97। एंगल 4 की बात करें तो है ए प्लस 45, 67.5 प्लस का 45, 0.5 ऐसे ही रहेगा, 7 में 4 को प्लस करोगे तो 11 आ जाएगा, 1 सॉरी 7 में 5 को प्लस करोगे तो 12 आ जाएगा, और 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11। अब एक बार आप अपने क्रॉस चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं, आप इन सबको प्लस करके देखना कि आपका आंसर कितना आ रहा है। अगर आपका इन सबको प्लस करके 360 आता है तो इसको 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 इसका मतलब आपने ये एंगल सही निकाला, क्लियर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, देन हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए एपी के, ये लास्ट है। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 600 बल्ब्स इन थर्ड ईयर, मतलब तीसरे साल में वो कितने बल्ब्स प्रोड्यूस करती है, ए थ्री दे, एंड 700 बल्ब्स इन सेवन्थ ईयर, और ए सेवन दे रखा है, सातवें साल में वो 700 बल्ब, सॉरी एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एवरी ईयर, मतलब जो हर साल प्रोडक्शन बढ़ रही है ना वो सेम रेट पे बढ़ रही है। अगर एक साल में आपने 200 बल्ब ज़्यादा प्रोड्यूस, अगले साल में भी ज़्यादा प्रोड्यूस, ये होता है यूनिफॉर्मली इंक्रीज। फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन सेवन ईयर, तो सात सालों में आपने कितनी प्रोडक्शन की बताना है, इसका मतलब आपको इसके अंदर एस सेवन फाइंड करना, सात सालों का सम फाइंड करना। ए थ्री को आप लिख सकते हो ए प्लस का 2d, और ए सेवन को आप लिख सकते हो ए प्लस का 6d। यहां से मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और डी को फाइंड करती हूँ, तो कट गया, यह आ गया माइनस का 4d, यह आ गया माइनस का 100, माइनस से माइनस भी कट गया, डी की वैल्यू आ गई 100 अपॉन में 4, कट करोगे तो 25 आ जाएगी। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 मेरे पास है, आप 2 में भी रख सकते, आंसर सेम ही आए, ए प्लस का 2, डी की जगह 25 रख दिया, तो ए प्लस का 50 इज इक्वल टू में 600 हो गया। ठीक है, यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाली, 600 के पास 50 लेके गए तो वो माइनस का हो जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 550, मतलब आपने फर्स्ट ईयर में 550 बल्ब्स प्रोड्यूस किए थे, ठीक है ना। चलिए हमें तो एस सेवन निकालना है, हमें उससे मतलब है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है, पहले हम क्या करते हैं फॉर्मूला लिख लेते हैं, सॉरी एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d, तो 7/2 a की जगह 550 लिखा, n की जगह 7 लिखा, D की जगह 25 लिखा, तो ऐसे ही रहने दो, ये कट नहीं, तो 2 से 550 को इंटू करोगे आ जाएगा 1100 आ जाएगा। अब 7 में से 1 जाएगा 6, और 6 को 25 से इंटू करोगे तो
150 आएगा। 150 में 1100 प्लस करोगे तो 1250 आएगा। 1250 इजीली 2 से कट हो रहा है, 625। 625 को 7 से इंटू करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4375। का मतलब उन 7 सालों में टोटल कितने बल्ब आप प्रोड्यूस करोगे, वो फैक्ट्री कितने बल्ब प्रोड्यूस करेगी, 4370। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास एपी के चैप्टर नंबर 5 के, जो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपको 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क के क्वेश्चन करा दिए। कहीं पर भी दिक्कत लगे इन क्वेश्चंस में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। इस चैप्टर के हमने केस स्टडी भी कर रखे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अलग से कर रखे हैं, सब चीज़ चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। थैंक यू।